पूरा। अच्छा तो अब तीन पाई चार्ट तो बनाइए, तीन पाई चार्ट प्लीज फटाफट दीजिए, पढ़ी जरा। इसमें कुछ हैद है नहीं है ना, मैं बताता हूं आपको, ये बिल्कुल नर्सरी लेवल का है। मैं बताता हूं आपको, एक मिनट, पहले समझते हैं कि इसमें है क्या, है ना। आप लोग बनाए हैं कि नहीं घर में कुछ अदर, इसके अलावा जो हम पढ़ाए उसके अलावा डीआई कुछ बनाए हैं? टू पाई चार्ट, सिंगल पाई चार्ट बनाए आपने? बनाए जी, आप लोग बनाए भाई साहब? आप लोग भाई साहब कहे नहीं बनाए? आप बनाए भाई साहब? अच्छा बैंक का नहीं देना है तो मत बनाना, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी आप एसएससी का बनाए नहीं, प्रीवियस ईयर वगैरह बनाए हैं? क्या बन उन रहा है? सारा बन जाता है तो इसमें कोई दम है? ये पढ़ने का कोई चीज ही नहीं होता है और ना पढ़ाना चाहिए है, लेकिन हाँ तो वो तो आप कंफ्यूज हैं इसलिए कंफ्यूज करता है ना। आप उसको सही से पढ़िए, लैंग्वेज को क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो, अभी सीसेट का एग्जाम हुआ यूपीएससी का, आप लोग बहुत से बच्चे परमुटेशन कम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी से पढ़े होंगे, एकदम जो क्लास में जो बातें किया वही सेम क्वेश्चन आया है ना। एक ए से बी जाने का तीन रास्ता, सी से डी जाने का है ना चार रास्ता, वो सेम क्वेश्चन आ गया। ऐसे करके जो है तीन अंकों की संख्या बनाए, पांच से कटना चाहिए, ऐसे कटना चाहिए, और अदर तो परसेंटेज तो आना ही था, वो तो रहता ही बच्चा वाला। मेन बच्चे डरते हैं प्रोबेबिलिटी से, परमुटेशन प्रोबेबिलिटी से, लेकिन वो है एकदम लॉलीपॉप है। लेकिन हाँ पढ़ लेते हैं तो लॉलीपॉप लगता, नहीं तो फिर वही पता नहीं क्या लगता है, पहाड़ लगता है, ईंट पत्थर लगता है ना। तो देख सजनो होता सब कुछ आसान है, सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगे कि हाँ हमको आता है, उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, पढ़िए, खाली कॉन्फिडेंस ही नहीं, पढ़िए और कॉन्फिडेंस में आ जाइए, फिर बन जाएगा। ठीक, डीआई ही एक ऐसा चीज है कि जो पीछे पूरा अर्थमेटिक पढ़ रखे हैं तो उनके लिए बड़ा ही आसान होगा ये, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग तीन पाई चार्ट के बारे में बातें करेंगे, देखिए क्या क्या दिया है। देखिए देखिए यहां, देखिए मैं समझाता हूं पहले। 3600 इंप्लॉय है टोटल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वहां 3600 टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज है, 3600 कर्मचारी हैं। फिर देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आईटी, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, मार्केटिंग एंड एचआर। उसके बाद कहा था टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉयज 204 है, यहां पर तो कुछ और लग रहा है, 2024 है पक्का ना, 2024 है, वेरी गुड। यह है पुरुष कर्मचारी, इसमें कौन कौन है? पुरुष भी है और महिलाएं भी हैं, और इसमें कौन है? इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष कर्मचारी है, मेल कर्मचारी है, ठीक है ना, पुरुष इतने हैं। यदि आपसे पूछे कि आईटी में पुरुष कितने हैं तो आप सीधे इसका 20% कर दीजिए, हमको लगता है 2040 होना चाहिए यहां पर, है ना। चलिए अभी देख लेते हैं क्या होगा नहीं होगा, हमको तो अभी पीडीएफ में है क्या, देखें जरा कितना लिखा है भाई साहब, जैसे इसमें लिखा है वैसे इसमें लिखा, दोनों जगह मिस्टेक मिस्टेक है। तो हमको लगता है ना कि इसको 2040 लेके चलिए, पूछे क्यों, फिर कहीं पुरुष पॉइंट में आ जाएगा ना। देखो ना मैं लग रहा ना 2024 का 20% करेंगे तो पुरुष तो पॉइंट में आ जाएगा, आदमी पॉइंट में थोड़ी होता है भाई, 3.5 3.5 आदमी होता है क्या, तीन आधा हुआ आधा तैयार हो रहा, ऐसा होगा? अरे ना ऐसा नहीं होता, कंप्लीट होता है, जैसा भी हो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें लगता है, देखो न्यूमेरिकल से हमको मतलब नहीं है, कुछ भी दे दे सॉल्व कर देंगे, यदि पॉइंटों में है तो हमें क्या दिक्कत है, कर देंगे सॉल्व, लेकिन हमें प्रोसेस को सीखना है, सिस्टम को सीखना है, हमको तालमेल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना फालतू में, ठीक है ना। ओके तो हमने देखा कि अभी हम देख लेंगे ओरिजिनल क्या है, मैं ढूंढता हूँ कहीं मिल जाए पुराना कॉपी। तो इतने पुरुष हैं, यदि हम आईटी में पुरुष निकालना है तो इतना का 20% निकाल लेंगे, है ना। और हमसे निकालना है आईटी में कितने कर्मचारी हैं तो इतना का 15% निकाल लेंगे, और हमसे निकालना कि महिला कितनी आईटी में तो इतना का 15% और इतना का 20%, तो उसमें से ही क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितनी महिलाएं हैं ये मालूम चल जाएगा। टोटल इंप्लॉयज में से मेल इंप्लॉय इन आईटी डिपार्टमेंट माइनस कर देंगे तो
वी गेट द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्क इन आई टी डिपार्टमेंट, है ना, कितने लोग वर्किंग है आई टी में, ये मालूम चल जाएगा, यस नो, यस। एंड थर्ड क्या दिया है कि टोटल 1200 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोटेड, है ना, कुल 1200 कर्मचारी प्रमोटी हैं, प्रमोटेड हुए हैं, पदोन्नति प्राप्त की है 1200 कर्मचारी। तो आईटी में कितना 26%, तो ये 1200 का 26% ये निकल गया द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु गॉट प्रमोटेड इन आईटी डिपार्टमेंट, तो 1200 का 26% इतना आईटी में प्रमोटेड हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमसे पूछ देगा, कुछ कंडीशन देगा कि जितने प्रमोटेड हुए हैं, है ना, कितने को प्रमोशन नहीं हुआ है कुल कर्मचारी का, तो कुल कर्मचारी का इतना का निकाल लेंगे 15%, और उसमें से इतना का हो गया, जो बच गया वो प्रमोटेड नहीं है, समझ में आ रहा है ना। इसमें कह देगा कि जितने भी प्रमोटी हुए हैं उसका 60% मेल है, तो फीमेल कितने हैं जिनको प्रमोशन हुआ है, तो भैया इसका इसका पहले 26% निकाल लिया और उसका 60% हो गया महिला या पुरुष, जो बोलेगा जो बचेगा वो महिला हो जाएंगी 40%, है ना। तो ऐसे करके आपको निकालना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हार्ड भी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, तो डरिएगा नहीं, ठीक है ना। तो शुरुआत किया जाए, है? आप एक कोशिश करिए, है ना, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, जो होना होगा वो तो होगा ही, होनी को कोई टाल नहीं सकता, है ना, होनी तो होनी है, पता नहीं है कॉपी तो नहीं होगा, देवी और सजनों आप कोशिश करिए एक बार, ठीक है ना, धाएं धाएं, देवी और सजनों बिल्कुल फास्ट, देवी सजनु कोशिश करिए पहले, मैं एक बार चेक कर लूंगा कि आखिर में है क्या, पढ़ रहे हैं सब लोग, ओके मिल गया तो है, कितना कौन सी क्लास चल रहा है आज डीआई का, पांच, पांच में छठी, सातवीं है, चलिए बनाइए बनाइए कोशिश करिए, मैं आपको फिर देखता हूँ क्या है, आज सातवीं क्लास है ना,
कितने क्वेश्चन नंबर हो गया टोटल? इस पे मिल भी नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आप कौन सा नंबर ले रहे हैं, 2040 है, यही ले रहे हैं ना, बनाइए कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट फटाफट, मजा नहीं आ रहा भाई साहब, धाएं धाएं उड़ाइए। बना रहे हैं भाई साहब? नहीं बना रहे, पीछे क्लास नहीं किए हैं? ओहो, तो पीछे का डीआई करना चाहिए ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आज तो आपको ऐसे ही कुछ नट नहीं, शुरू से डाला हुआ है भारतीय लर्निंग ऐप पे फ्री यूजर में, तो वो आप देख लीजिए पहले, नहीं तो ऐसे तो फालतू में दिमाग खराब होगा। मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। चलिए बना, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आ रहा है कुछ? आप बना लिए भाई साहब, पूरा बना लिए? जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट, पीडीएफ है सबके पास? अभी पहले ही क्वेश्चन लगे हैं क्या? पहला बन गया, दूसरा है? पीडीएफ नहीं है तो मोबाइल में क्या है, मोबाइल खोले नहीं? हे भगवान, मिल भी नहीं रहा, वो कहाँ गया? 4020, हरिओम। एक में 2.5 लाख था ना? हाँ, दो तो हो गया। चलो मैं बताता हूँ, देवी सज्जनों डरिए नहीं, थोड़ा सा सुविधा के लिए खेद है, थोड़ा डिस्टर्ब, पता नहीं क्या नोमेरिकल है, यही देख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आइए, क्या बोला? द नंबर ऑफ इंप्लॉयज हु गॉट प्रमोटेड इन एचआर डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। क्या बोला इसने कि जो प्रमोटी हैं कौन सा डिपार्टमेंट में? एचआर में। कितने हैं? 1200। कितने हैं? 1200 का, देखिए ध्यान से, 1200 का एचआर में कितने हैं बोलो? 11% ये है प्रमोटी इन एचआर डिपार्टमेंट। ये क्या है? प्रमोटी इन एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है ना। वो कितना प्रतिशत होगा इनटू 100 किसका? उस डिपार्टमेंट में कार्यरत ऑल एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब 3600 का बोलो कितना एचआर कितना है? 12%। हम 12% लिखेंगे, 1200 का 11% प्रोमोटी है, तो 1200 का 11% इज व्हाट परसेंट गुने 100 ऑफ किसका? टोटल का, टोटल कितना है? 3600 का एचआर कितना है? 12%, यही निकालना है। तो बस इसमें दिमाग थोड़ी लगाना था, 12 × 25 = 4 × 225/9, यही ना है, सही है ना जी? 225/9, 9 × 3 कितना आ गया? 30 से ही 5/9%। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको? आया समझ में? नो प्रॉब्लम, है ना। कितने हैं भैया? तो 1200 का 11% प्रमोटी है एचआर में। कितना होंगे टोटल कर्मचारी का? 3600 का एचआर में 12% कर दिया, 30 से ही 5/9%। यस और नो? ओके, सेकेंड क्वेश्चन प्लीज, हरिया सेकंड बनाइए जल्दी, धाएं 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 सेकंड का। देवी और सजनों बोलो बोलो, आया? पड़ी सेकंड का, फटाफट दीजिए, फास्ट 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 फास्ट, कितना आ रहा है भाई लोग? सेकेंड का आंसर क्या आ रहा है बंधु?
सेकेंड का कुछ आया, मेरे भाई बंधु का कुछ नहीं आया, पता नहीं कहाँ है ये, नहीं मिला, छोड़ो, 2040 से होगा, है ना? हाँ कि सबका? इसका आंसर क्या है? The total number of employees who got promoted from the all department together is what percent? Total number of employees working all department? अरे बहुत इजी है, 1200 कर्मचारी प्रमोटेड हैं ऑफ टोटल एम्प्लॉय, यही ने कहा, यस, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु गॉट प्रमोटेड, तो इतना 1200 इनटू 100 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग ऑल डिपार्टमेंट्स टुगेदर, तो 3600, यस और नो? तो 12 यही 33 सही, 1/3% इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये तीन डायग्राम देख के डर गए? ऐसे कैसे डर जाएंगे बीरबंधु? ए भाई साहब, मोबाइल वाले भाई साहब, मोबाइल पर गेम तो नहीं चल रहा है? हाँ हाँ ठीक है, एक कान में का लगा रखे हो? सुनने वाला मशीन है, है? है भाई साहब? चलिए, सबका आ गया ठीक है ना? अगल बगल भाई साहब इनको फोन मत दिया करें, इनके पापा का इंस्ट्रक्शन है फोन मत देना है इसको, इसलिए इनके पापा जिसको फोन देते हैं झुंझुना वाला है भाई साहब, बहुत नास लड़का ही है। बनाइए बनाइए बनाइए, प्लीज बनाइए 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 बनाइए, धाएं 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 धाएं, कितना आ गया? देवी और सज्जनों बोलिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स टुगेदर? ओ माय गॉड, नंबर ऑफ फीमेल्स, यहां तो मेल दिया है, फीमेल कैसे आएगा? यस, टोटल में से 3600 है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हमसे बोला द नंबर ऑफ फील्ड वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, द प्रोडक्शन 35 एंड मार्केटिंग इज 18, टोटल ऑल टुगेदर 53, कितना 50? ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर, एंड 2040 the number of male working in production and marketing altogether 65%, yes or no? Yes, David Sajno, yes, 13 5 5 2, 2 से भाग दीजिए 102, अब इसे गुना कीजिए 36 108, 36 5 180, 1908, yes or no? और यहां गुना कीजिए 13 2 26 13 26, यही ना? माइनस कीजिए 5 5 8, यही है, यही हो गया नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर, यस और नो? समझ में आया सबको? हमने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग टुगेदर निकाल लिया, ठीक, एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर निकाल लिया, एंड द डिफरेंस क्या मिलेगा इसमें से? नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग टुगेदर, है ना, दोनों डिपार्टमेंट। समझ में आया? क्या बना सकते हैं? हार्ड लगा भाई साहब को? भाई साहब परसेंटेज पढ़े हैं, परसेंटेज पढ़े हैं, परसेंटेज पढ़े हैं, झूठ मत बोलिए, कब पढ़ लिए परसेंटेज आप? बात है, झूठ बोलते हैं आप, हमसे झूठ बोलते काम चलेगा? देखो बनाइए बनाइए, धाएं धाएं बनाइए, एकदम तेजी बनाइए मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, बोलो बोलो, आया भाई बंधु का, आया मित्रों का, आया, बोलो बोलो, आया
भाई बंधु मित्रों सबका आया, भैया बताइए सबका आया। बोलो बोलो आया। सबका आ गया ना, कोई दिक्कत है? क्या कह दिया कि इतना देर लग रहा है? इफ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु गॉट प्रमोटेड फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट आर मेल्स, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मेल हु गॉट प्रमोटेड फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट? यस, वेरी इजी। 1200 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु गॉट प्रमोटेड एंड आउट ऑफ व्हिच 26% इज द total number of employees and given the half of these is these are males है ना, इसका आधा क्या है? पुरुष है। यही ना कहा 26% तो है promoted, उसका आधा पुरुष है। वो what percent of, वो कितना होगा किसका? The number of male working in IT department, तो 2040 का बोलो 20%, कितना परसेंट? नहीं समझे? और जी कहने लेंगे आईटी डिपार्टमेंट कहा ना, देखो ना क्या बोला, हु गॉट प्रमोटेड आईटी डिपार्टमेंट, यही ना बोला? आप नहीं समझे? आपने सिर्फ 2040 लिखा था क्या? नहीं, पढ़ो क्वेश्चन सही से। यदि आईटी विभाग में प्रगति आधे हैं तो आईटी विभाग से लगभग कितना परसेंट है ना, कितने प्रतिशत पुरुष कर्मचारी पदोन्नति प्राप्त किए, तो आईटी डिपार्टमेंट का निकालना था, इसलिए 20% लिखेंगे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? आ रहा समझ में? काट छाट की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। काट दू 20-25, लाल पेन से काटता हूं, दिखाई नहीं देगा फिर। 20-25 100, 13 दुनी 26, सुनना से एक सुनना। अब काटो इसको, 4 2 6, 6 से काट दू 6 2 12 है ना, 6 से 6 3 18, 6 4 24 है ना, 17 2 34, 10 2 20, 13 5 65, 650 बटा में 17 17 51, 51 तो क्या बच गया, 140, यही ना? कितना होगा कटेगा? 17 7 119, 17 8 17 9 153, 17 8 से लेगा कितना आ रहा है, 38 इंटीजर 4 बाई, यही आ रहा है क्या? देख लें जितना भी आ जाए, यही ना है? कितना रहा है, 14/17 या 4/4 आ रहा है? पक्का लॉक कर दिया जाए? भाग देकर देख लो जी, यही है। चले बंधु, देखिए हमने पहले शुरुआत किया एक सिंगल पाई चार्ट, सिंगल के साथ सिंगल डाटा, सिंगल के साथ डबल डाटा है ना, ऐसे कर करके आगे बढ़े हैं। डबल पाई चार्ट बाय डबल के साथ सिंगल डाटा, डबल के साथ डबल डाटा, ट्रिपल डाटा, फिर ट्रिपल पाई चार्ट। तो इसीलिए जो बच्चे पीछे नहीं पढ़े ना, वो चक्कर भी आ सकता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी कम चल रहा लगता है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए, तैयार है सब लोग? ये समझ में आ गया? इसको बनाइए है? नहीं बना? Half of the number of employees who got promoted in account departments are female. Oh, very good. To find the number of female account department who got not promoted. बहुत easy है, फिर lengthy है, लेकिन डर जाएंगे जी, कैसे बात करते हैं? चलिए यहां देखिए, 3600 का कौन department है? Accounts कितने हैं total? 20% है? और इसमें 2000 कितना 40 है ना, 2040 में कितना है? 5% है, ठीक। तो यहां से महिलाएं तो निकाल लें,
कितनी महिला टोटल कर्मचारी में से पुरुष कर्मचारी माइनस कर देंगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा कि द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन अकाउंट डिपार्टमेंट कितना है, ठीक है ना, हाउ मेनी फीमेल्स वर्किंग इन अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो यहां से आगे 36 72 720 सुनना सुनना ये भैया सुनना 102 102 माइनस कर दीजिए तो 618। ये टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हैं जो अकाउंट डिपार्टमेंट में वर्किंग है, ठीक है ना। अब हमसे क्या बोला कि अकाउंट डिपार्टमेंट में जितने भी प्रमोशन हुआ है उसमें से हाफ आर फीमेल्स, तो 1200 हैं प्रमोटी और अकाउंट डिपार्टमेंट में 8% और उसमें आधा महिलाएं हैं। नहीं समझ में आई बात, आधा उसमें क्या है महिलाएं हैं, तो महिलाएं हैं कितनी बोलिए, 8% था ना, 8/100 1200 का 8%, कोई दिक्कत नहीं ना, 1200 का 8 ही था ना 8%, 20 कट गया और 12 चौक 48 हैं जो मतलब क्या है प्रमोटी हैं, यही ना। नहीं समझ में आया, 1200 टोटल प्रमोटी हैं, 8% उसका 12 8 96 1200 का 8% 12 8 96 96 टोटल हुए प्रमोट अकाउंट में, उसमें आधा महिलाएं हैं तो 96 का आधा 48 महिलाएं हैं। तो इस डिपार्टमेंट में महिलाएं थी 618 और 48 उसमें से प्रमोट ही हो गई, तो हमसे पूछा हो नॉट गॉट प्रमोटेड तो कितना आ गया 570 नॉट गॉट प्रमोटेड। समझ में आया, जिनको पदोन्नति नहीं मिला उनकी संख्या आ गया, बोलो हाँ या ना, समझ में आया, बहुत इजी है ना। पहले निकालें टोटल इंप्लॉयज, फिर निकालें पुरुष कर्मचारी अकाउंट में, है ना, फिर दोनों को माइनस कर दिया तो ये आ गया कि महिलाएं कितनी अकाउंट में है और उसमें जिस प्रमोशन हो गया उसका 8% उसमें आधा महिलाएं हैं तो प्रमोशन कितना 48 महिलाओं को हुआ, तो कितने महिलाओं को नहीं हुआ तो 570 का नहीं हुआ। हार्ड लगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, डीआई हार्ड होता ही नहीं, पहला बात दिमाग में लिख लो, डीआई हार्ड होता नहीं, कैलकुलेटिव हो सकता है हार्ड नहीं हो सकता, काम करना पड़ सकता उसमें लेकिन हार्ड नहीं कि यो समझ ही नहीं आ रहा चक्कर मार दिया और अरे बाबा ऐसा नहीं होता डीआई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चले आगे, डर गए क्या, बहुत अच्छा। यहां से मेरे भाई बंधु सबके हाथ में ये होना चाहिए तभी बनेगा। क्या सबके पास है, कितने लोगों के पास है अभी प्रिंट आउट, बस एक दो लोग पास, मोबाइल में है, मोबाइल में भी नहीं है, है मोबाइल में, कितने लोगों के पास है, नहीं रहेगा तो नहीं काम चलेगा, नहीं बनेगा, है मोबाइल में, सब डाउनलोड करिए फटाफट, डाउनलोड करिए, डाउनलोड करें प्लीज, डाला हुआ है ना डीआई का क्लासेस, है ना डाला हुआ ऐप पर, डाला हुआ है प्लीज। ऐसे नहीं काम चलेंगे क्योंकि लगातार 5 क्वेश्चन देंगे और 5 क्वेश्चन में 5 मिनट और आप बनाएंगे फिर हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा कि एक एक क्वेश्चन, नहीं मजा नहीं आएगा, सीख ही नहीं पाइएगा आप, है ना है? नहीं डाले हैं तो आगे का डीआई डाल दीजिए, आ गई है आ? हम इसीलिए मांग रहे थे कि थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं आगे पीछे ना हो जाए। क्या है इसमें, यहां से पहला शुरू है और इसमें क्या है? कंपनी ए इनकम वाला है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ये तो इसमें है, ये ना है आ? क्या था, रुक जाओ नंबर ऑफ कैंडिडेट ये वाला है कहाँ, इसमें है आपका, दे ढूंढो पहले ये नंबर ऑफ कैंडिडेट पे क्या क्या बोल रहा है, पीडीएफ वाला पगला देगा बना बना के, आप मैच कर रहा है और उसमें नहीं कर रहा मैच
आप कहाँ से निकाल लिया प्रिंट आउट भाई? पुराना निकाल लिया क्या? पुराना वाला, ये नया वाला है ना? अच्छा है? मिल गया, 39 है, सही है। आइए मैं सिखाता हूं आपको कैसे बनाएंगे। सब लोग डाउनलोड कर लीजिए प्लीज, डाउनलोड है ना ऐप में? 16 तक है, कर दो भाई अपलोड कर दो जरा। देखिए चलिए कोई बात नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। ये जो है फ्रीक्वेंसी ग्राफ वगैरह है, ये बहुत आसान होता है, ये सबसे आसान होता है, बहुत आसान। कुछ नहीं करना होता है, डाटा देख के ढूंढ के निकालना होता है। जैसे मान लो कि ये कॉलेज ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई कॉलेज है, ये वाला मेल का है, ये वाला फीमेल इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना? तो हमसे पूछेगा कि कॉलेज ए में कितने पुरुष पढ़ रहे हैं, तो पुरुष का कौन सा ये? ये है इन थाउजेंड, यही ना है नंबर, तो बोलेंगे 15,000। कितना? 15,000। और एक बात मैं बता देता हूं, ऐसे तो ये लग रहा जो बीच में दिया रहेगा ना कहीं पर, तो बीच वाले को आप बीच ही मानना। बीच वाले क्या मानिएगा हमेशा? बीच मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 5,000 का। कितने का? तो ये दोनों के बीच ही मानिएगा हमेशा। ऐसे एकदम ऊपर नीचे रहेगा ना तो वो डाटा एग्जाम में दिखा देगा कि इसके बीच 1,000, 2,000, 3,000 कितना बढ़ रहा है, ठीक। और यदि ऐसे रहे तो उसे क्या मानिए? बीच ही मानिएगा हमेशा, ठीक। तो ये 10, 20,000 से 25,000 कितना बढ़ गया? 5,000। तो बीच में कितना बोलेंगे? 2,500। तो ये कितना है? 20,000, 22,500। कितना हो जाएगा? 22,500, ऐसे मानिएगा, ठीक। ओके, तो हम बनाना शुरू करें। इसमें क्या होता है कि हमें डाटा देख देख के ढूंढ ढूंढ के बताना है कि कौन कहाँ है, कितना बढ़ गया, कितना घट गया। जैसे पाई चार्ट होता था, पाई चार्ट सब वो एक ही जैसा है, लेकिन पूछने का तरीका जो है अलग अलग, और ऐसे सिवाले में आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखते हैं कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल फीमेल्स ऑल टुगेदर पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, ऑल कॉलेज टुगेदर, ठीक है ना? सभी कॉलेज में विद्यार्थियों का औसत निकालिए। क्या निकालने कहा? औसत। तो हम सबको क्या करेंगे? मेल फीमेल सब निकालेंगे टोटल, ठीक है ना? तो बहुत ऐसे ही बच्चा वाला है, देखो 15,000 साढ़े एक तरफ जोड़ लो मेल का, क्योंकि आपको अलग अलग इसलिए जोड़ने का सलाह देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में हमें जरूरत पड़ जाएगा। लड़कों का एवरेज निकालो, लड़कों का परसेंटेज निकालो, तो इसीलिए हम पहले मेल अलग निकालेंगे, फीमेल अलग। कंबाइंड निकालोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और अभी थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, मेल का अलग निकाल के फीमेल का अलग फिर जोड़ोगे तो उसको कहीं फाड़ के फेंकना मत एग्जाम में, वहीं पर रखना उसको, वो डाटा कहीं ना कहीं उसमें यूज होगा, 5 में से कोई 1 क्वेश्चन जरूर यूज होगा, तो वहां पर समय आपका बच जाएगा। अरे जोड़ने मान लो कि हमको 1 मिनट लग गया इस क्वेश्चन, 1 मिनट मेल का, 1 मिनट फिर 2 मिनट लग गया, तो 2 मिनट एक क्वेश्चन में लग गया तो अगले क्वेश्चन में जोड़ा हुआ मिलेगा तो समय कम हो गया ना, फिर 1 मिनट बच जाएगा मेरा, है ना? तो इसीलिए जब DI बनाए तो जब कैलकुलेशन करें तो उसका डाटा मतलब इधर उधर मत करिए, एक जगह ही सारा सॉल्व करिए, क्योंकि कोई आए तो उसका यूज कर सके, ठीक है ना? समझ में आ रही बात है ना? आइए देखते हैं। तो जोड़िए, बताइए मेल का कितना है? 15,000, और जोड़िए क्या बोलेंगे आप? 17,500 और 27,000, 25,000 और 10,000, जोड़िए इसे 85,000, यही आ रहा है, जोड़ लिए 10 और 14 15 2 2 4 2 6 7 1 8, ठीक है ना? 85,000 आ रहा है। ओके, महिलाओं का जोड़िए, ये महिलाओं का है 22,000 बोलिए ना, और फिर क्या है? 20,000, और कितना है? 35,000, और कितना है? यहां पर देखिए, यहां पर कितना था? 22,500, यहां
20,000 यहाँ, 35,000 यहाँ, 30,000 और फिर यहाँ जाइए 7,500, कितना 7,500 जोड़िए सबको 115,000 ये आ रहा है ना, मतलब 1,15,000 कोई दिक्कत नहीं, 1,000 मतलब 3 जीरो लगा देंगे है ना, 3 जीरो से गुना कर देंगे, ठीक है ना। ओके अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15,000 और 85,000 कितना हो गया 2,00,000, कितना हो गया 2,00,000 है ना, 3 जीरो और इन 5, ठीक है ना, कितने जीरो हो गए 5 जीरो। और एवरेज निकालना है ऑल कॉलेज, तो कितने कॉलेज है भाई साहब 5, कितने कॉलेज है, हमें एवरेज निकालना सभी कॉलेज का, तो 5 से भाग दे दो, 5 चौके 20, 40,000 का एवरेज है कहीं पर नहीं, कहीं डाटा ही उसमें हुआ मिस, हो सकता है ये वाला डाटा होगा ना, ये थोड़ा आगे ऊपर नीचे होगा, ये थोड़ा ऊपर है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो 42 के आसपास ही होगा, ठीक है ना, वो जब डाटा दिया रहेगा एग्जैक्ट तरी, थोड़ा सा ऊपर दिया है, हमें लग रहा है यहाँ पर कुछ है गड़बड़, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो 40 के ऊपर थोड़ा चले जाइए, 42 का है ना, या तो फिलहाल आप इसको 40 ही कर दीजिए, क्या कर दीजिए 40 ही कर दीजिए, ठीक है ना। कितना बढ़ जाएगा यहां पर 2,00,000, चलो कोई बात नहीं छोड़ दीजिए, है ना, आप बनाइए पहले सीखिए बनाने के लिए, गोली मारी डाटा से, ठीक है ना। अरे एग्जाम में वो छोटी छोटी लाइन करके देता है ना, तो एक एक हम पकड़ लेंगे वो बातों को, ठीक है ना, यहां पर वो कहां है ना है कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो आप प्रोसेस देखिए ना, और कौन सा इसमें प्रोसेस है, एवरेज निकालना है तो बॉयज और गर्ल का जोड़िए, और 5 कॉलेज है 5 से भाग दीजिए, अब इसमें डिस्कस करेंगे तो कोई फायदा है कि नहीं, चले आगे। देखिए कॉलेज सी से उत्तीर्ण होने लड़कियों की संख्या सभी कॉलेज से उत्तीर्ण हुए लड़कियों की संख्या के कितने परसेंट है, तो कॉलेज सी से कितने पास किए, देखो कॉलेज सी से लड़कियां कौन सी हैं, यही ना है, कितना है 35,000, तो 35,000 लड़कियां कॉलेज सी से पास की हैं, कितना पास की हैं, पढ़िए क्वेश्चन को, कॉलेज सी से लड़कियां जो पास की हैं 35,000, वो कितना होगी सभी का लगभग में, और सभी लड़कियां कितनी आई थी, यहां देखो यहां फायदा आ गया ना, 1,15,000 है ना, लड़कियां कही था ना, तो यहां पर ये आ गया 1,15,000, नहीं समझ में आई बात, यदि हम वहां पर नहीं जोड़ते तो फिर या एक साथ जोड़ते तो फिर मजा नहीं आता है कि नहीं। अब देखिए इसने क्या बोला कि द नंबर ऑफ फीमेल पास आउट फ्रॉम द कॉलेज इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल पास आउट फ्रॉम द ऑल द कॉलेज टुगेदर, तो ऑल कॉलेज टुगेदर फीमेल कितने 115 है कि नहीं। अब काटिए 7 5 और 23 5 115, अब सुनिए लगभग कैसे मारेंगे, यही सीखना है लगभग में, यदि हम इसको 25 माने, यदि इसे 25 चौके 128 आएगा, सुनिएगा, यदि इसे हम 25 माने तो 25 चौके 128 आएगा, लेकिन ज्यादा मानेंगे तो वैल्यू कम आएगा, और कम से भाग देंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगा, सुनिए नीचे भाग बड़ा नंबर से करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा छोटा, और छोटा नंबर से करें रिजल्ट क्या आएगा बड़ा, जानते हैं ना, 25 से मान के भाग दिया तो 25 तो बड़ा नंबर है ना, तो 25 मानने पर 28 आता है, तो 28 नहीं 28 से जस्ट बड़ा नंबर आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम भाग किसे दे रहे हैं 23 से, तो 23 छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर से भाग देने पर रिजल्ट बड़ा आता है, समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए 28 मत मारिएगा 30 आएगा आंसर, 30 सही, हाँ तो कोई बात नहीं, तो ये आंसर आप वहां पर बैठ के पूरा पूरा भाग मत देते रहना कि दे ही देते हैं भाग, दे ही देते हैं भाग, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यदि आप इसे 21 मानते हैं, क्या मानते हैं, तो 7 3 21 तो 33 सही 1/3 होता है ना, तो 21 मानने पर छोटा मानने पर ज्यादा आएगा, तो इससे ऊपर है तो 33 से कम ही ना आएगा, तो 33 से कम तो 30 ही है, आप हर तरीके समझ सकते हैं, जब इसे हम 21 मानेंगे
छोटा मानेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो 33 आया तो बड़ा आया ना, तो उससे बड़ा नंबर से भाग देते छोटा आएगा, तो 21 से बड़ा है ना 23, तो 33 से छोटा ही वैल्यू आएगा। बड़ा नंबर है 23 ना, तो रिजल्ट छोटा आएगा, ठीक है ना। तो 33 से छोटा कौन आ रहा, 30 आ रहा है ना। इन्हें क्यों हम बैठ के एकदम भाग करने तैयार, लगभग पूछे लगभग निकालिएगा, ठीक है ना। सारे पूछा हो बैंक का क्वेश्चन है, 5-5 ऑप्शन होते हैं बैंक में, ध्यान रखिएगा। बताइए, आप बताइए भाई साहब फटाफट। धाएं धाएं आप लोग जो है ना, इस सब मोबाइल में लोड कर लीजिएगा, है ना, इसको अच्छा से बड़ा। कॉलेज ए और कॉलेज ई से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर बहुत सिंपल है। कॉलेज ए और कॉलेज ई से अंतर देखो कैसे, ए और ई से पास विद्यार्थियों का, विद्यार्थी समझते हैं ना, बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, तो यहां जोड़िए, इसमें कितने का योग हो गया बताइए, ए और ई इनको जोड़िए तो 15, और इसे क्या माने थे आप 17.5 कि 22.5, 22.5 तो 15 और 22.5 कितना हो गया, ये है 15 और ये है 22.5, यही ना, 22.5 मानो, 23 मानो, कुछ ऐसी होगा, 22.5 ही मानो इसको, ठीक। जोड़ो 37.5, और अच्छा यहां पर जोड़ो, ये कितना है 10 और ये कितना है 7.5, ये 10, तो कितना आ गया 17.5, तो अंतर कितने का बंधु, कितने का अंतर आ गया बोलिए ना, 20 का, कितने का, 20,000 का अंतर आया। तो 20,000 है इसमें, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर होगा तो यही वाला होगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं मानिए, क्यों हम इसे क्या मान के बना रहे हैं 22.5, इसीलिए, ठीक है ना। हम जो मान रहे हैं अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना, एग्जाम में जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमसे पूछा ए के कॉलेज के बच्चे और ई के कॉलेज बच्चे का अंतर, तो ए के बच्चे तो बॉयज गर्ल्स टुगेदर, यहां 15, यहां 22.5, 37.5, यहां पर बॉयज गर्ल्स टुगेदर 17.5, माइनस कर दिया 20,000, 20,000 का अंतर है, यस और नो बोलिए, समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, चले आगे। सभी कॉलेज से पास, देखो यहां फायदा आ गया आपको, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है, तो कितना आया था देखिए, तो पहला क्वेश्चन में 85,000 और 115, 17, 25, 23, 25 है ना, 17 और 23, इसमें आएगा नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत का अंतर है लगता है ना, 17 और 23 इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। और यदि वहां पर कुछ बढ़ा दिया जाए तो कुछ हो जाएगा, हमको लगता है यदि बढ़ा दें, क्यों दिक्कत है इसे, है भाई है, इसको थोड़ा बढ़ा के आप कर दीजिएगा, यहाँ पर 22 है 24 कर दीजिए, 23 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए आप, बात कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप प्रोसेस समझिए, ठीक है ना। हमें तो बच्चों की संख्या जोड़ना है ना, जो दिखेगा वो जोड़ देंगे, क्यों टेंशन लेते हैं इन सब बातों से, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। हम कल से उसका हार्ड कॉपी ओरिजिनल निकाल के यहां रखेंगे, वहां से बता देंगे हम एग्जैक्ट क्या है, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, छोटी बातों के लिए टेंशन नहीं, प्रोसेस समझाना चाहिए। पढ़िए, कॉलेज ए और बी से पास होने वाले लड़कों की कुल संख्या और सी और डी से पास होने लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, बहुत इजी। कॉलेज ए और बी से कितने लड़के पास हुए, देखो ए और बी से बताओ लड़के 15 और ये 15 है और ये 17.5, कितना हो गया 32,000 क्या है लड़के, कितना प्रतिशत होगा किसका, लड़कियों का, लड़कियां कौन सी और डी में, तो सी में लड़कियां कितनी है बताओ, सी में 35 ले लो और डी में 30, तो ये था 35 और ये 30, कितना हो गया 65 कर लीजिए,
ठीक है। अब इसका बिंदिया हटाइए तो यहां क्या लिखिएगा, 10 जीरो कट गया, 5 × 2 = 10 और 13 × 5 = 65, ठीक है ना, 13 × 2 = 26 कट जाएगा, 13 × 2 = 26 और 13 × 5 यही ना आ रहा है, 25 × 2 = 50, 50% है, तो आंसर डी हो गया। समझ में आ गया ना, क्या बोला इसने, ए और बी में लड़का, तो ए और बी में लड़का है ना, और सी और डी में लड़कियां, सी और डी में लड़कियां, तो लड़का कितना प्रतिशत है लड़कियों का, तो लड़का कितना परसेंट लड़कियों का, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, इसका पॉइंट हटाए हैं ना तो 10 लिखे हैं ना, अरे 32.5 था ना, पॉइंट हटाएंगे तो 10 से नीचे करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, इतना गुने 100/65, इसका पॉइंट आगे 10 लिख दिया, फिर काट दिया, ठीक। नेक्स्ट भाई साहब चले आगे, ये रहने दे, क्या ये वही क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, अलग है, ठीक है बनाइए, फिर भी चलिए देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू कल बताएंगे सबका। What is the respective ratio of the number of candidates appearing from the entrance test from the all the cities A in 2008 में A city से है ना? What is the respective ratio of the number of candidates appearing from the entrance test all the cities from all the cities A and in A? हाँ अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक किया है क्या, 2008 में ए और डी शहर में आयोजित, ए और डी दोनों होना चाहिए, फ्रॉम सिटी ए एंड डी, डी छूट गया, ए एंड डी इन 2008, यहाँ पर डी लिख लेना। चलो जी, ए में कितने हैं 2008 में, 8 कौन सा है, ब्लू वाला, तो 8 में कितने है? बताओ 32 पॉइंट, अरे बोलो ना, यहाँ बीच में है तो क्या बोलेंगे, ये 5 का अंतर है तो 2.5, 5 का अंतर है तो आधा, 2.5 32.5 है ना। और डी में, डी फॉर दिल्ली, कहां गया ब्लू वाला, क्या है ये 27.5, समझ में आ गया। अब इसके पॉइंट हटा दो, इसके पॉइंट क्या करेंगे, हटा देंगे, 25 से काटो, कितने बार कट गया, 25 से काटो 13 से कट गया, 25 से काटो 11 आ गया, 13 × 11 यही आंसर है, 13 × 11, 25 × 13 25 × 11 275 होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, 25 से कट गए, 13 × 11 बी इसका आंसर है, समझ में आया, ओके। वर्ष 2007 में सभी शहरों से सम्मिलित हुए इस परिषद की संख्या औसत बताइए, बस बना के लाइएगा, है कि नहीं, 2007 में सभी कॉलेज से, 7 वाला कौन है रेड, ये सब को जोड़िए और जोड़ के लाइएगा, कल करेंगे डिस्कशन, ठीक है ना, आज थोड़ा कमी पड़ते हैं, ठीक है ना, ओके।